ये देखिए सबकी सुंदर सुंदर लड़कियां दुल्हन बन चुकी है। और यहाँ देखो पीछे करो, ये देखो चक्के सबने बनाए हैं, विष्णु जी का चक्र सबने बनाया। छत में डलवाना मेरी राधा रानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूं कल्पना, बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार, और साथ वालों के लिए 5-5। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। पहले तो आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती और शंकर भगवान, तीज माता आपके सुहाग को हमेशा ही ऐसे रखे और खुशियां लाए आपके जीवन में बहुत सारी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से रात से हो रही है, 9:30 बज चुके हैं। तो कल तीज है तो मेहंदी लगाना तो बनता है। तो चलिए मैं अपने दोस्तों के घर जा रही हूँ, अपने पड़ोसियों के घर तीज की मेहंदी लगाने के लिए। तो आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या मस्ती होती है वहाँ पे। तो दोस्तों आज मैं जीनू के कमरे पे आ ही गई और यहाँ सब लोग पहले से, ओ माई गॉड, यहाँ तो मेहंदी लग रही है। हेलो, चलो दिखाओ भाई, मेहंदी दिखाओ पहले। वाह यार, तो बड़ी सुंदर लगी। हम तो ऐसा सोच रहा गोल गोल गोला बनो ना। यहाँ देखो ये ब्योली की मेहंदी लग रही है, ये दुल्हन है आज की, और मेहंदी आर्टिस्ट है हमारी। वाह सुंदर, जैसे खुद है वो सुंदर। आज जुनू को, जुनू का कमरा। चलिए दोस्तों जुनू अपना घर दिखाए। चल जुनू, और कौन सा घर तेरा कमरा? ये वाला निरंजन रहते, फिर निरंजन रहते रहते। और ये किराए पे? अच्छा, बाकी नीचे है, नीचे कभी और दिखाएंगे हम। यहाँ ऊपर तो ये ऐसी आती है कभी कभार है। तो दोस्तों इस बंदी को इतनी खुश हो रही है ना, मेरे को तो वो हो रहा है। मैं दिखाना, मैं दिखाना, पोज दो। पहले जमाने में कैसे पोज देते थे? ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। और हमने ना मजाक किया दी से कि तुम्हारी कल शादी है, बंदी सीरियस हो गए। लहंगा कहाँ से लाएंगे, सब बड़ी दिक्कत हुई है। अरे रात को कहाँ मिलेगा? नी अरे वो दूल्हा का मान नापक तो दूल्हा वही देगा, नाप भी नहीं होने माप। तो दोस्तों मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है और दीदी लगा रही है। ये देखिए, मैंने उन्हें जैसे बताया ऐसा वाला बोला मैंने लगाने के लिए। तो मोटा मोटा लगाना दीदी है, क्योंकि मोटी मोटी रस्ती अच्छी है ना। हाथ भी इतना छोड़ रही कि फूल में ख़त्म हो गया, दिक्कत दी है सारा। सबने हरी चूड़ी, मैं तेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं भैया? हरी दोस्तों ऊंची दुकान फीके पकवान, जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं उतनी चूड़ियाँ कम। अच्छा, इस सोने की चूड़ी पहनती है भाई। ओ तो दोस्तों तुम्हें नहीं लेना, तुम्हें तो फेमस करने चक्कर में हम। तो दोस्तों शर्मीली है हमारी मेहंदी आर्टिस्ट ना, थोड़ा शर्मीली है, कह रही मुझे मत लेना। दिखाओ अपनी मेहंदी कैसी लग रही है अभी दोस्तों। देखिए ये है एक कद्दू और एक कद्दू ये लविंडा। और यहाँ भी ये क्या बनी है, करेला पत्ती बनी है इसमें छोटी छोटी। आजकल करेले तो मैंने इनको खुद बोला था कि ऐसी मेहंदी लगाना, वरना ये फूल लगा रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे ये अच्छी लगती है, तो उन्होंने वैसे ही लगाई जैसी मैं चाह रही थी। और फाइनली मैं अब दुल्हन बन चुकी हूँ। थोड़ी देर पहले दुल्हन कोई और थी, अब मैं हूँ, थोड़ी देर बाद जुनू बनेगी। तो दोस्तों हमारी मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए। पहले मैं दिखाती हूँ फिर दीदी दिखाई। ये देखिए और ये देखिए, दीदी आप दिखाओ, ये दीदी की और पीछे दीदी की। तो ऐसी लग रही है जैसे इनकी कल शादी है। तो आप लोग भी आइएगा दाल भात खाने, हमारे पहाड़ में दाल भात ही खिलाते। तो दिखाइए जीने भी, दिखाना जीने, दिखा शक्ल भी दिखा दो, ठीक है उसकी शक्ल। उनको नीचे नीचे करो थोड़ा कैमरा, ये देखो। अरे हमारे पास अनट्रेंड है कैमरा मैन ना, वो दिखा नहीं सकते, हम अभी सीख रहे हो। तो दोस्तों हमारी मेहंदी लग चुकी है, ये देखिए सबकी सुंदर सुंदर लड़कियां दुल्हन बन चुकी है। और यहाँ देखो पीछे करो, ये देखो चक्के सबने बनाए हैं, विष्णु जी का चक्र सबने बनाया है, अपने मेरे पे चार है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल, कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगी मस्ती ढेर सारी। बाय बाय करो, गुड नाइट। इधर देना है एक मिनट ना। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैंने मिठू को अपनी मेहंदी दिखाई। कैसी लगी बेटा? अच्छी। अच्छी है, कौन सी अच्छी है, ये वाली है ये वाली? दोनों अच्छी है। तो दोस्तों मिठू को मेरी दोनों मेहंदी अच्छी लगी है, देखिए। रुक जा, ये सूख चुकी है, ये देखिए और ये देखिए। और इस वाले हाथ में भी ऐसे ही कुछ बना हुआ है, और ये देखिए। आज ना मेहंदी मैंने अपने पसंद की लगवाई है, मैंने उन्हें बोला कि गोल चक्के बनाना, क्योंकि भरी मेहंदी मैंने कहा ओल्ड फैशन हो गया। और मेरी मेहंदी सूख भी गई है दोस्तों, यहाँ देखिए झड़ गई है पूरी। तो दोस्तों मिठू कब मिलेंगे अब हम? कल। कल क्या है?
तीज तीज तो कल मनाएंगे हम तीज। ये अब बोलो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी आपके सुहाग को ऐसे ही बनाए रखे और आपको स्वस्थ जबरदस्त मस्त रखे। मैंने कल मेहंदी लगाई थी ना, मेहंदी रह चुकी है, दिखाऊं आपको। ये देखिए कितनी सुंदर रची है मेरी मेहंदी, और पति का प्यार बरकरार है, मतलब करते हैं अभी भी। मुझे लगता था नहीं करते, लेकिन करते हैं अभी। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, फटाफट से तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमको और भी कार्यक्रम है आज तीज में, और आज बहुत स्पेशल होने वाला है। आप बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेलो दोस्तों, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने आज पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि तीज है तो ग्रीन कलर तो पहनना बनता है। और थोड़ी सी ज्वेलरी भी मतलब साज सज्जा की है। मैं आपको ना दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा। अब मेरे साथ तो कोई है नहीं, पूरा लुक कैसे दिखाऊँ मैं, एक मिनट है, थोड़ा डाउन करती हूँ कैमरे को। ये है मेरा आज का लुक, अब पूरा लुक मैं जब कोई आएगा, मतलब जैसे लोग आएंगे उनसे दिखवाऊंगी। कमेंट करके बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसे लग रही हूँ। मेहंदी मेरी सुंदर सुंदर मेहंदी रची हुई आज, और बहुत ही प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है भाई, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं लोगों का आने का, और फिर ले चलते हैं आपको एक नए सफर पे। तीज, हैप्पी तीज सभी को। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ढोलक को टीका लगाया जा रहा है, क्योंकि नया ढोलक है और टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, हम पहाड़ियों की प्रथा है ये, कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो चलिए, ये चमक रहा है आप कैमरे में, सबको लगाओ। कौन बज रहा है, कौन है जो इतना बज रहा है यार। मंत्र पढ़ो भाई पंडित जी। ओम नमो बस, ओम नमो भगवते।
छत में डलवाना मेरी राधा रानी। हलीमा रानी झूला छत में डलवाना मेरी, बोलो ज्योति आई झूला डलवा मेरे को तो रानी झूलन जीनू आई झूला झूलन जीनू। पति का नाम क्या है? राधा रानी झूला दीप से झुलवाना मेरी राधा रानी। चूड़िया बोलो कैसा लगा भाई आज बताओ, मजा आया? तो फाइनली हमारा झूला वोला सब झूल चुके हैं और अब हमने खाने के लिए कुछ मंगाया है तो वो सब आ रहे हैं और कुछ लोग छत में, अभी फोटो सेशन खत्म नहीं हो रहा, कुछ लोगों का धीरे धीरे आ रहे हैं तो चलिए खाते हैं। दोस्तों यहाँ देखे खान पान शुरू हो चुका है और सब लोग काम पे लगे हुए हैं। उनको ना ऊपर ही एक प्लेट दे दे, आप तू ले जाना उनके लिए दे दे। हाँ दे दोस्तों यहाँ पे खान पान हो रहा है सब लोग। बुआ बुआ का फास्ट है, देखने में ठीक लग रहा है, लेके आना पड़ेगा जो मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों सब लोग धीरे धीरे निकलते हुए, तो बाय करो, बाय बाय। कैसा लगा आप लोगों को? बाय बाय बाय। नाचो नाचो बाय। कैसा रहा आज का फंक्शन? बढ़िया रहा। कैसा लगा भाई? आ जाएगा। बाय 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 बाय। अच्छी चलो बाय करो, बाय। नेक्स्ट टाइम और बढ़िया ढंग से करेंगे। चलो और दीदी।
आप क्या बोलना चाहोगे, कैसा लगा? Awesome. Awesome. Happy Teej. Happy Teej सभी को। दीदी बड़ी मुश्किल से आई करवा चौथ का। यहाँ देखो जरा, ये मैडम जी ढोल बांधते हुए, क्योंकि इनका काम ही है जय माता रानी, ये माता रानी का ढोल बांध रहे हैं बच्चे, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, हेलो दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले आके ना ज्वेलरी वगैरह उतार दी। इतनी गर्मी लग रही भाई, इतनी गर्मी लग रही, क्या ही बताऊं। सब लोग जा चुके हैं। आज का तीज का हमारा ना बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग में, आई होप अच्छा लगा। मेरी मेहंदी कितनी सुंदर रची है ना, इस हाथ की भी और इस हाथ की भी। उफ, इतनी गर्मी हो गई थी ना, नीचे ज़्यादा लोग होते हैं तो काफ़ी मज़ा आया। मतलब पहली बार हमने यहाँ पे तीज का मनाया, अब ये सोच रहे हैं कि हर साल ही मनाएंगे। तो आप सभी को फिर से तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और शिव जी आपकी पति की लंबी उम्र करें, आपकी लंबी उम्र करें, आपके बच्चों को ठीक रखें, सबको स्वस्थ रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।